दोस्तों, एक्टर हो या डायरेक्टर हो, अपनी लाइफ में कोई ना कोई फ्लॉप फिल्म देख ही देता है। लेकिन SS राजामौली एक ऐसे सक्सेसफुल डायरेक्टर है जिन्होंने अपनी लाइफ में एक भी बार फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। उनकी पहली फिल्म थी जूनियर NTR के साथ स्टूडेंट नंबर वन, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। सेकंड फिल्म वापस से जूनियर NTR के साथ बनाई थी सीमाद्री, जिसने 40 करोड़ रुपए की कमाई की थी। थर्ड फिल्म थी नितिन के साथ सही, जो कि राजामौली की सबसे लोएस्ट कमाई करने वाली फिल्म थी, लेकिन इसने भी 25 करोड़ रुपए कमाकर एक एवरेज हिट का तमगा हासिल किया था। चौथी फिल्म थी प्रभास के साथ छत्रपति, जिसने बॉक्स ऑफिस पे तूफान ला दिया था, जिसने 50 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पांचवी फिल्म थी मास राजा रवि तेजा के साथ विक्रमाकुडु, इसकी ऑलरेडी 6 बार रीमेक बनाई जा चुकी है। बॉलीवुड वालों ने इसका रीमेक बनाया था राउडी राठौर के नाम। छठी फिल्म दोबारा से जूनियर NTR के साथ यमडुंगा बनाई थी, जिसने 55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके बाद फिल्म आई थी रामचरण के साथ मगधीरा, जो कि एक ऑल टाइम तेलुगु ब्लॉकबस्टर मूवी बनी थी 150 करोड़ रुपए कलेक्शन के साथ। सातवीं फिल्म थी मर्यादा रमन्ना, जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी, इसकी भी बॉलीवुड वालों ने रीमेक बनाई है सनफ सरदार के नाम से। इसके बाद फिल्म आई ईगा, जो कि किच्चा सुदीप के साथ थी, जिसे हम मक्खी के नाम से जानते हैं। ये राजामौली की फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके बाद उन्होंने बनाई बाहुबली, जिसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। और रही सही कसर RRR ने ऑस्कर में अपनी जगह बनाकर और अवार्ड जीतकर पूरी कर दी।